SMB Build Mart Solutions, मजबूत इमारत के साथ मजबूत इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ड्यूरेबल सैनिटरी पाइप्स और ब्रांडेड बाथ फिटिंग भी जरूरी है। क्रॉम्पटन के पंखे और गीजर, GM के स्विचेस और लाइट फिटिंग और कजारिया की बाथ फिटिंग होलसेल और रिटेल रेट्स पर उपलब्ध। SMB Build Mart Solutions, दिल्ली गेट पुलिस कंट्रोल रूम के पास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। रईसजादे की कार से टक्कर लगने से घायल सवार की मौत, उदयपुर फील्ड क्लब के बाहर हुआ हादसा। 3 मासूम बहनों की नदी में डूबने से मौत, गमगीन माहौल में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द किए शव। और लूट की योजना बना रहे 4 नाबालिग लड़कों सहित 5 आरोपी पकड़े, आरोपियों के पास से बरामद हुए हथियार। एक रईसजादे की कार से टक्कर लगने से घायल हुए एक बाइक सवार की मौत होने का मामला सामने आया है। घटना अंबा माता थाना क्षेत्र में आने वाले फील्ड क्लब के बाहर गुरुवार अल सुबह हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 5 बजे चित्रकूट नगर के रहने वाला विपिन मीणा नामक शख्स जिम ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। इसी दौरान फील्ड क्लब से बाहर निकली कार ने विपिन को टक्कर मार दी। स्कोडा कार की टक्कर से घायल हुए विपिन की मौत हो गई। फील्ड क्लब से निकल रहे एक स्कोडा कार चालक की टक्कर से घायल हुए विपिन को आरोपी कार चालक घायल अवस्था में ही मौके पर छोड़कर फिर से अंदर चला गया। घायल पड़े शख्स को देखने के बाद मौके पर एकत्रित हुए लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। गुरुवार सुबह 5 बजे विपिन रोजाना की तरह जिम ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। इसी दौरान फतेहपुरा पुलिस चौकी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर फील्ड क्लब से बाहर आ रही स्कोडा कार नंबर 27-3686 नंबर की गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक घायल को मौके पर ही छोड़कर वापिस फील्ड क्लब के अंदर चला गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि घटनास्थल पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, लेकिन फील्ड क्लब के संचालकों ने सीसीटीवी फुटेज देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि हादसे के समय फील्ड क्लब की लाइट बंद होने की वजह से सीसीटीवी कैमरे बंद थे। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अपनी दो मासूम बेटियों और घर पर मेहमान आई बहन की एक बेटी घर पर अकेला छोड़कर खेत पर काम करने गई दंपति की पूरी दुनिया वीरान हो गई। तीनों मासूम बहनें खेलते खेलते नदी के पास चली गई और तीनों बहनों की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र स्थित रावच ग्राम पंचायत के मेरे का खेत में मौजूद रूपणिया धरा नदी पर हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों मासूम बच्चियों के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। माता पिता के खेत पर काम करने गए एक दंपति को जब पता चला कि नदी पर नहाने गई उसकी दो मासूम बेटियों के साथ बहन की 4 वर्षीय बेटी नदी पर नहाने चली गई थी, इसी दौरान डूबने से तीनों की मौत हो गई। तीन बहनों की पानी में डूबने से मौत की खबर से पूरे क्षेत्र में मातम पसर गया। मिली जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश गरासिया की पुत्री 2.5 वर्षीय सविता कुंवर और 4 वर्षीय रीना कुमारी घर मेहमान आई बुआ की 4 वर्षीय पुत्री झलन को घर पर अकेला छोड़कर पूरे परिवार के साथ खेतों पर काम करने गए थे। तेज गर्मी होने के चलते तीनों मासूम बच्चियां खेलते खेलते नदी के पास पहुंच गई और वहां कपड़े खोलकर नदी में नहाने उतरी, जहां एक के बाद एक तीनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। नदी की ओर से घर आ रहे मनसाराम घरासिया ने तीनों के कपड़े नदी के किनारे देखे। इसी दौरान परिवार के लोग उधर इन बच्चों को ढूंढ रहे थे। मनसाराम ने तीनों लड़कियों के कपड़े नदी पर होने की जानकारी दी, जिस पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि तीनों के शव पानी में तैर रहे थे। ये नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। ग्रामीणों की सूचना पर सायरा थाना अधिकारी प्रवीण सिंह जुगनावत जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों शवों को नदी से बाहर निकलवा कर सायरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने गमगीन माहौल में तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया, वही मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। वाइब्स खुशी की, वाइब्स जशन की, वाइब्स है रोशनी की, अपने टशन की, त्योहारों की, परिवारों की, अरमानों की,
वाइब्स है ये, सिटी वाइब्स है ये। लूट की वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे चार नाबालिग आरोपियों को डिटेन करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई बांसवाड़ा जिले की सदर थाना पुलिस द्वारा की गई है। ये आरोपी पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते हुए हथियारों के साथ अंधेरे में बैठे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दबिश देते हुए चार नाबालिगों सहित पांच जनों को हिरासत में लिया है। इन आरोपियों से पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया है। राजतालाब थाना अधिकारी दीपक बंजारा ने बताया कि सदर थाना पुलिस के थाना अधिकारी दिलीप सिंह संध्याकालीन गश्त पर थे। इसी दौरान लूट के अन्य मामले के आरोपियों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि विट्ठल देव के नाले में इकट्ठा होकर कुछ युवक लूट की वारदात करने की योजना बना रहे हैं। इस पर उन्होंने घेराबंदी करते हुए वहां से पांच जनों को डिटेन किया, जिसमें से चार विधि से संघर्षित किशोर थे और एक अन्य आरोपी को डिटेन किया गया और उनके पास से लूट की वारदात में उपयोग में आने वाले हथियार सहित मिर्ची पाउडर भी जब्त किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह बोरखेड़ी पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने पहले भी छोटी बड़ी लूट की वारदात की थी, लेकिन बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए वह योजना बना रहे थे। इसकी जाँच राजतालाब थाना अधिकारी दीपक बंजारा को सौंपी गई। 7 मई की शाम की वारदात है। 7 मई को शाम को पुलिस को सूचना मिली कि सदर थाना क्षेत्र में बोरखेड़ी गांव के पास विट्ठल देव का मंदिर है, उसके पास नाले में कुछ लोग डकैती की प्लानिंग की योजना बना रहे हैं। इस पर पुलिस ने गुप्त तरीके से घेराबंदी की और पांच लोगों को इसमें पकड़ा है, जिनमें चार तो विधि से विरुद्ध संघर्षरत किशोर हैं यानी कि नाबालिग हैं और एक अरविंद काकरा डूंगरी का रहने वाला अभियुक्त है। पाँचों लोग बोरखेड़ी गांव में पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे, डकैती करने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने मौके पर डकैती के साधनों सहित इनको गिरफ्तार किया है और इनको संबंधित न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से इन्वेस्टिगेशन आगे इनसे की जाएगी और कहां कहां इन्होंने पहले क्या क्या वारदातें की है और किस किस जगह इन्होंने अपने आपराधिक कृत्य किए हैं। पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी जल्दी और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। चाकू, तलवार और मिर्ची पाउडर, इस प्रकार के जो साधन होते हैं डकैती करने के, वो इनके कब्जे से मिले हैं और पुलिस अन्य मामलों में भी अनुसंधान कर रही है इनसे। कुछ वाहन वगैरह भी थे इनके? हाँ, एक मोटरसाइकिल भी सदर थाना पुलिस द्वारा जब्त की गई है। यहाँ की खुशबू, यहाँ का स्वाद, वैदेही फूड प्लाजा का नाश्ता है ही इतना लाजवाब। जब गारंटी शुद्ध मूंगफली तेल की मिलती है तो खाने की भूख और बढ़ती है, क्योंकि क्वालिटी मतलब वैदेही फूड प्लाजा एट आयुर्वेद सर्कल, राडाजी चौराया। डेवलपमेंट अथॉरिटी UDA ने कार्यवाही करते हुए गुरुवार को रामपुरा चौराहे पर बनी हुई दो केलुपोश मकानों और एक केबिन को ध्वस्त किया है। गुरुवार सुबह UDA की टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए केलुपोश मकानों को ढहा दिया गया, साथ ही वहीं पर मौजूद एक केबिन को भी ध्वस्त करते हुए मलबे में तब्दील कर दिया। कार्रवाई के दौरान UDA अधिकारी के साथ पुलिस का जाप्ता मौजूद रहा। UDA की टीम द्वारा अल सुबह रामपुरा चौराहे पर कार्रवाई करने का नजारा गुरुवार का है। UDA के मुताबिक भूमाफियाओं द्वारा रामपुरा चौराहे पर अवैध रूप से कब्जा करते हुए यह दो दुकानें और एक केबिन का निर्माण कर दिया गया था। अतिक्रमण की सूचना सही पाए जाने के बाद टीमें मौके पर पहुंची और JCB की मदद से इस अवैध रूप से किए गए निर्माण को ध्वस्त कर दिया। UDA के मुताबिक भूमाफियाओं ने 8,000 स्क्वायर फीट पर यह अवैध कब्जा करते हुए निर्माण किया था। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games, Jain Society grants, 50% scholarship for Jain students, CCTV surveillance by management, affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। विधायक अर्जुन बामनिया को चुनाव आयोग ने नोटिस थमाते हुए 3 दिन में इसका जवाब देने के लिए कहा है। बामनिया पर PM के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी। इस शिकायत की जांच करते हुए उन्हें नोटिस भेजा गया। PM मोदी के भाषण को तोड़ मरोड़ कर एक सभा में बोलने पर चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी।
बांसवाड़ा लोकसभा चुनाव के दौरान बांसवाड़ा में पीएम मोदी की सभा के बाद कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने एक सभा में पीएम की स्पीच का हवाला देते हुए मंच से कहा था कि प्रधानमंत्री ने आदिवासियों को नक्सली की संज्ञा दी है। विधायक की कथित स्पीच की शिकायत चुनाव आयोग को की गई थी, जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया को नोटिस दिया और 3 दिन में जवाब पेश करने को कहा है। निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उस शिकायत की जांच करने के लिए सहायक निर्वाचन अधिकारी SDM बांसवाड़ा को हमने लेटर लिखा है और उसी की जांच के क्रम में उन्होंने तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिसके विरुद्ध शिकायत हुई है उनसे फैक्चुअल रिप्लाई मांगा है। शिकायत कहाँ पर होती है सर? हमें शिकायत जो प्राप्त हुई मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त हुई है। तो कितने दिन में जवाब मांगने से पहले? नॉर्मली 4-5 दिन का समय दिया जाता है और रिप्लाई जैसा आता है उसके आधार पे हमारे यहाँ से फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार होकर वापस निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाएगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। रईसजादे की कार से टक्कर लगने से घायल सवार की मौत, उदयपुर फील्ड क्लब के बाहर हुआ हादसा। 3 मासूम बहनों की नदी में डूबने से मौत, गमगीन माहौल में पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द किए शव। और लूट की योजना बना रहे 4 नाबालिग लड़कों सहित 5 आरोपी पकड़े, आरोपियों के पास से बरामद हुए हथियार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए News 91 के साथ। नमस्कार। SMB बिल्ड मार्ट सॉल्यूशंस, मजबूत इमारत के साथ मजबूत इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ड्यूरेबल सैनिटरी पाइप्स और ब्रांडेड बाथ फिटिंग भी जरूरी है। क्रॉम्पटन के पंखे और गीजर, GM के स्विचेस और लाइट फिटिंग और कजारिया की बाथ फिटिंग होलसेल और रिटेल रेट्स पर उपलब्ध। SMB बिल्ड मार्ट सॉल्यूशंस, दिल्ली गेट पुलिस कंट्रोल रूम के पास, उदयपुर। ये है चैनल 91+ नेटवर्क और आप देख रहे हैं News 91, आवाज हम सबकी।